लखनऊ से अलीगढ़ लाया गया कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ पहुंचे। कल होगा कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास तालिबान ने भीड़ पर चलाई गोली, 7 अफगानी नागरिकों की मौत। सुल्तानपुर में लाखों की बिल्डिंग को तोड़ने की कवायद शुरू। जर्जर बताकर तोड़ी जा रही नई बिल्डिंग। जिला अस्पताल के भवन का निकाला गया टेंडर। सीतापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया शिलान्यास। विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश, बोला परियोजनाओं का जल्द पूरा किया जाए। बाजपुर में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन को लग रहा है पलीता। गंदगी में जीने को मजबूर ग्रामीण। ग्रामीणों की शिकायत नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ निवासी उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व भाजपा के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह का कल राजधानी लखनऊ में एसजीपीआई हॉस्पिटल में निधन हो गया था, जिसके बाद पूरी भाजपा सहित अलीगढ़ जनपद में व देश भर में उनके समर्थकों व चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। लखनऊ से एयर एम्बुलेंस द्वारा उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के स्टेडियम में जनता के दर्शन के लिए रखा गया, जिसकी तैयारी अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में की गई। इक्कीस अगस्त की शाम पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की खबर आते ही देश में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने कहा कि कल्याण सिंह के निधन से देश और पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। कहा कि कल्याण सिंह ने देश के कई नई शिक्षा नीति दी थी, यही नहीं वह हिंदुत्व के पुरोधा थे। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जैसे नेताओं के कारण ही देश की तरक्की के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कल्याण सिंह को अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबूजी का जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व की भरपाई होना निश्चित रूप से मुश्किल है। हम सभी लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे प्रदेश के लोग, देश के लोग बाबूजी के लिए शोक संतप्त हैं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व राजस्थान मेघालय प्रदेश के गवर्नर रहे भाजपा के कद्दावर नेता कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके किस्से वो बिताई गई बातों को याद करते हुए उनके पैतृक गांव के निवासी थक नहीं रहे। अतरौली तहसील के बड़ौली ग्राम निवासियों का कहना है कि बाबूजी ने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा, उन्हें उस क्षेत्र में कामयाबी मिली है। उन्होंने उस क्षेत्र में काम करके दिखाया है। ग्राम मड़ौली का नाम देश भर में उन्होंने ऊंचा किया है। ये सब ऊपरी तौर पर है, लेकिन दिल के दुख का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि हमें कितना दुख हुआ है। जिस क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखा, उसी क्षेत्र में वो सफल रहे। जैसे इस गांव में किसान के रूप में उन्होंने सबको मॉडल बता दिया कि ऐसे खेती करो, टॉप की खेती करके दिखा दी उन्होंने। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने, पढ़ाई में भी इंतजाम हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने टॉप पहना। और राजनीति में तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इतना नाम कमाया कि हमारा गाँव उनके इससे बड़ा ही हसोल के ऐसा दर्शन हमारे गाँव में पैदा हुआ। सीतापुर जिले में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 539 करोड़ 30 लाख की 227 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन व शिलान्यास की गई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए और सोशल सेक्टर की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि प्रदेश में सड़क का महाजाल बिछाया जा रहा है, बड़ी संख्या में बाईपास बनाए जा रहे हैं और जनता को आवागमन की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। और 2019 में तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ही लेने जा रहे थे मुख्यमंत्री जी। ये भी सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का नेता हो या किसी संगठन से जुड़ा हुआ हो, अगर कोई तालिबान के समर्थन में बयान देता है तो उसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है और जिसको तालिबानों से। राखी का त्योहार बहनों और भाइयों को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज वो प्यारा दिन आ गया है। आज बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं।
इस राखी के त्योहार के लिए बहनें कई दिन पहले से ही तैयारियां करने लगती हैं। बहनें मेहंदी लगाती हैं तो भाइयों के लिए बाजार से प्यारी प्यारी राखियां खरीदती हैं। मिठाई और राखी की दुकान पर तो जमकर भीड़ लगी ही रहती है। राखी के दिन भाई भी अपनी बहनों को अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं। रक्षाबंधन की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने लोगों से खास बात की। भाई बहनों का प्रतीत राखी का पर्व कल है और मार्केटें भी सज चुकी हैं। आज हम लखनऊ के भूतनाथ मार्केट पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं बाजारों में काफ़ी भीड़ है और तरह तरह की राखियां लगाई गई हैं। जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदने आई हैं। हम दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरीके की बाजार किस तरीके की है और क्या बाजारों में कोरोना की मार पड़ रही है, जो दुकानें हैं वो कैसी चल रही हैं। क्या नाम है भाई साहब? शिवांकित नाम है। क्या इस बार कोरोना की मार पड़ रही है बिजली वाली? ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, सब ठीक ठाक। अब तो साप्ताहिक लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है। नहीं तो ये तो राखी के लिए खत्म हुआ है ना, बाकी तो संडे संडे चल ही रहा है। संडे भी खत्म हो गया। हाँ, हो सकता है। क्या लग रहा है बाजारों में, कुछ गर्मा गर्मी है या पैसे? ठीक है, लेकिन उस तरह नहीं है पहले की जैसे। कोरोना का कुछ तो असर रहेगा ही। असर है कोरोना का? जी। क्या नाम है मैडम आपका? श्रुति जी। राखी खरीदने आई हैं जी। जी, क्या लग रहा है किस तरीके से त्यौहार मनाएंगी, क्योंकि तीसरी लहर का भी खतरा है? हाँ। तो क्या सावधानियां बरतेंगी और क्या चीज़ें? ज़्यादा तो गेट टुगेदर नहीं हो पाएगा, गैदरिंग, तो कोशिश कर रहे हैं कि बस कम लोग और अलग अलग टाइम पे वो लोग आएँ, ताकि हम लोग को थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी लेना है अपना भी, और सैनिटाइजर मास्क ये सब तो हम लोग यूज़ करते ही रहेंगे। तो इस तरह से साप्ताहिक लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन भीड़ जो है वो कम नहीं पड़ रही। भीड़ नहीं कम पड़ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है ऐसे में, मगर मजबूरी है, हम लोग को लेने आना पड़ रहा है, मगर भीड़ बहुत ज़्यादा है अभी। तो राखियाँ खरीदी आप? जी, अभी खरीद रहे हैं। किस तरीके की राखियाँ मार्केट में आई हैं, क्या लग रहा है? राखियाँ तो सुंदर ही हैं इस बार पहले से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेटर कलेक्शन है इस बार राखी का, और दाम भी ठीक है, इस बार कोई ज़्यादा महंगा नहीं लग रहा है, तो सही है इस बार कलेक्शन भी। मार्केट आई हुई थी, क्या तैयारियाँ रक्षाबंधन की? बस मेहंदी लगवाई है, राखियाँ ली है, मिठाइयाँ ली है, और बस यही सब है, शॉपिंग हुई है कपड़े वगैरह। तीसरी लहर का भी खतरा है, मार्केट में बहुत भीड़ है, क्या लग रहा है किस तरीके से इस बार त्यौहार मनाएंगे? त्यौहार तो मनाया ही जा रहा है, पर सावधानी के साथ, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए और बाकी सेफ्टी, घर में काढ़ा पीजिए, इसी तरह से। तैयारियाँ तो बहुत कुछ है जी। क्या क्या? मेहंदी लगवाना और वो राखी लाना। मार्केट में आइए, क्या लग रहा है मार्केट में, राखियाँ किस तरीके की हैं, क्या चीज़ें हैं मार्केट में? मार्केट में राखियाँ अच्छी मिल रही है, कोविड का तो देखिए ना, मार्केट में तो हाल देख ही रहे हैं, कोविड का खतरा तो कम हो गया है कुछ, लेकिन फिर भी अभी खतरा तो बना हुआ ही है। अपनी सेफ्टी से लोगों को राखी बांधना चाहिए, कोविड की गाइडलाइन उसका पालन करेंगे। जी बिल्कुल। शॉपिंग कर रहे भाई के लिए राखी लेने आए हैं। और क्या क्या शॉपिंग की आपने? और बस सूट वगैरह शॉपिंग कर रहे। क्या तैयारियां रक्षाबंधन की, कैसी राखियां हैं मार्केट में? आई हैं हर बार तरीके, अलग अलग तरीके की रक्षाबंधन की राखियाँ आई हैं, मगर मार्केट वाला काफ़ी हल्का है पिछली बार से। मार्केट हल्का है? हाँ, ऑनलाइन के चक्कर में लोग ज़्यादातर देखते हैं, जो भी देखो तो ऑनलाइन रेट देखने लगते हैं हर एक चीज़ में। तो अच्छा, ऑनलाइन किस लिए लोग खरीद रहे हैं, क्या कोविड का खतरा है उसके लिए इस तरीके से? नहीं, फैंसी उन लोगों को लगता है देखने में कि ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती है, मगर जब सामने चीज़ आती है तो पता चलता है कि यहाँ चीज़ में क्वालिटी सेम थी। जो रक्षाबंधन है वो कोविड के चक्कर में काफ़ी फर्क पड़ा है, धंधा नहीं चल रहा है, कम हो गया काफ़ी, 50% ज़्यादा कम, कॉम्पिटिशन खराब हुआ है। खराब हुआ जी कोविड के चक्कर में, वरना पहले अच्छी खासी भीड़ रहती थी, आज के दिन कुछ नहीं है, एकदम सन्नाटा पड़ा है। रोड पे कस्टमर काफ़ी हैं, जो पहले रेट अच्छे थे 10-10 रुपये की राखी भी अब लोगों को महंगी लगती है, ऐसे आलम है अब। क्या रेट में राखियाँ आई हैं मार्केट में? हर तरीके की हैं, 10 रुपये की 20 रुपये की 50 रुपये की 500 रुपये तक है मेरे पास राखियाँ, मगर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कैसी क्या क्वालिटी लेना चाहेगा। कुछ कुछ आते हैं अच्छे, जो 500 वाले भी लेते हैं, मगर उसमें भी बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं, नहीं आती है। कोशिश है और क्या, भाई लोग खुश रहे हैं, उनके परिवार खुश रहे हैं। क्या तैयारियां की हैं आपने? राखी लेनी है, मिठाई ले ही चुके हैं हम लोग, छोटे बच्चे जो है उनके लिए गिफ्ट्स लिए हैं, कपड़े, बस और क्या तैयारी। कोविड का खतरा महसूस कर रही हैं?
कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में त्यौहार के आगे कुछ नहीं आता है, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं फिलहाल। दो साल से तो कोविड झेल ही रहे हैं, और क्या। ये क्या तैयारियां हैं रक्षाबंधन की? रक्षाबंधन की राखी खरीदने आए थे और कपड़े खरीदे। मार्केट में क्या, मार्केट में सन्नाटा है या कुछ? मार्केट में बहुत भीड़ है जी। किस किस तरीके की राखियाँ हैं मार्केट में, क्या लगा, क्या अपने भाइयों के लिए आपने लिया, किस तरीके की राखी? हाँ, राखियाँ अच्छी अच्छी लगी हैं बहुत, और फिर अब और भी बहुत कुछ है, मिठाई भी लगी है। तैयारियाँ क्या किया आपने कि कल राखी का त्यौहार है, बहुत ही मतलब अच्छा त्यौहार है। कपड़े खरीदे हैं, अभी राखी खरीदने आए हैं। ये जो हर बार होती है राखी लेना, कपड़े लेना और मिठाइयाँ खरीदना, दैट्स ऑल, लेकिन इस बार थोड़ा सेफ्टी के साथ। हाँ बस। मार्केट में क्या, मार्केट में बाजारें कैसी हैं, किस तरीके की राखियाँ हैं? डिसेंट है, सोबर है, अच्छी है, जिसको जैसी चाहिए वैसा है यहाँ पे। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, आप देख रहे हैं बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं, तो वो तो अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट हर कुछ नहीं कर सकती ना, सबको मास्क पहनना चाहिए, पर आप देख रहे हैं। काफ़ी कुछ तैयारी है, कोविड रूल को फॉलो करते हुए हम लोग जाएंगे, अपने घर पर जाएंगे और राखी बांधेंगे, अपने सेलिब्रेट करेंगे। मार्केट में क्या लग रहा है, मार्केट में बहुत भीड़ है, तो क्या लग रहा है त्योहारों की खुशी में लोग कोरोना का डर भी भूल गए? हाँ, देखने से तो लग रहा है, क्योंकि मास्क लोग कम ही लगाए हैं, बट लोग जो जागरूक हैं वो लगाए हैं, कोविड रूल का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी त्योहारों के होड़ में लोग। मार्केट आई थी, क्या क्या खरीदा आपने, क्या क्या पसंद आई, क्या क्या चीज़ें? मैंने तो राखी ली है और बच्चे के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ मैं। भाई को राखी बांधनी है, लॉकडाउन खुल गया, सबसे बड़ी खुशी तो यही है। मैम, लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन तीसरी लहर का भी खतरा है। हाँ वो तो, हाँ तो अभी नहीं खोलना चाहिए था, बट अक्टूबर में तीसरी लहर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। मार्केट आई थी, क्या क्या चीज़ें समझ में आई, क्या खरीद रहे हैं? अभी तो राखी खरीदने आए हैं, मेहंदी लगवानी है। रक्षाबंधन की तैयारी तो हमारी बहुत अच्छी है, सब तैयारी हो गई, बस मेहंदी लगवा रहे हैं। राखियाँ खरीदी? हाँ, राखियों की सब खरीदेंगे। राखियाँ कैसी हैं मार्केट में, क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें हैं? नहीं, राखियाँ मैंने यहाँ से नहीं ली हैं, कहीं और से ली हैं जी। वैसे कैसी राखियाँ हैं? नहीं, राखियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। यहाँ तो पहली बार ऐसा होता है कि भाइयों के लिए राखी के लिए तैयार होती हैं। मार्केट में क्या चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ें? ड्रेस वगैरह, मेहंदी लगवाना, राखी लेना। शॉपिंग हो गई आपकी? यस, हो गई। क्या शुभ नाम है आपका? दीक्षा। क्या नाम है आपका? अक्षिता शर्मा। किस क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड। मार्केट आई हुई थी, क्या चीज़ें समझ में आई यहाँ पर? मुझे एक शेल अच्छा लगा जी। और एक फ्लावर पॉट अच्छा लगा, एक पौधा अच्छा लगा। अच्छा, रक्षाबंधन की क्या तैयारी है आपकी? मैं अपने मामा को राखी बांधूंगी और फिर उसके बाद मेरे और मामा, उन लोगों को भी राखी बांधूंगी। अच्छा, कोरोना का भी बेटा बहुत खतरा है, स्कूल भी आपके बंद होंगे। हाँ। तो क्या, कैसे मनाएंगी त्यौहार, क्या सोचते? घर पे सेफ रहूंगी और मास्क भी रखूंगी। अच्छा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं लोगों से ये कहती हूँ कि सब लोग घर पे रहें, सेफ रहें और मास्क भी करें। आज हम लखनऊ की भूतनाथ वाली मार्केट पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो त्यौहार की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदने पहुंची हुई हैं, राखियों की दुकान लगी हुई है, और साफ तौर पे देखा जा सकता है कहीं ना कहीं जो त्यौहार की जो खुशी में लोग कोरोना का डर भूल चुके हैं, जो गाइडलाइन है उसका पालन कहीं नहीं किया जा सकता। हम आपको दिखाना चाहेंगे इन तस्वीरों में, ये भूतनाथ का मार्केट है, जो त्यौहार की खुशी में लोग कोरोना का डर भी भूल गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि लोग इतना त्योहारों की खुशी में डूबे हुए हैं कि उनको कहीं कोरोना। श्रावण माह रक्षाबंधन की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विभिन्न जनपदों व क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाकर मन्नतें मांगी। घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। कस्बे में जगह जगह छुटपुट जाम जैसी स्थिति भी बनी रही, लेकिन प्रशासन द्वारा जाम की समस्या से श्रद्धालुओं को तत्काल निजात दिलाई गई। बता दें कि श्रावण माह के रक्षाबंधन की पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पूर्णिमा के एक दिन पहले ही गंगा तट पर पहुंच गए। सुबह होने पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान करना प्रारंभ कर दिया। सुल्तानपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा क्या हुई? जिला अस्पताल को उच्चीकृत करने के नाम पर कुछ सालों पहले लाखों की लागत से बनी नई बिल्डिंग ही तोड़े जाने की कवायद शुरू हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि जिला अस्पताल के इन भवनों को जर्जर बताकर इसका टेंडर भी निकाल दिया गया है, जबकि राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम पर जमीन का आवंटन कहीं और किया गया है।
दरअसल शासन द्वारा सुल्तानपुर में पिछले दिनों राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई। दुबेपुर ब्लॉक के दुबेपुर गांव में जमीन आरक्षित भी कर ली गई, लेकिन जिला अस्पताल के उच्चीकृत करने के नाम पर यहां कुछ सालों पहले बनी बिल्डिंग को जर्जर दिखाकर तोड़ने की योजना बना ली गई। जैसे कि 26 का डेट में आया है CMS की तरफ से कि कहीं भवन ध्वस्त करके कुछ और नया निर्माण होना है, उसमें काफ़ी भवन तो ऐसे हैं, ठीक है कुछ पुराने थे, लेकिन काफ़ी तो ऐसे हैं जो भी नए 2012 में बने हैं, 2017 में बने हैं। TB अस्पताल है वो भी नया ही बना है, और शायद जनपद में सिर्फ इकलौता TB अस्पताल में जिला अस्पताल में संचालित हो रहा है, जहाँ मरीजों को लाभ मिल रहा है, जहाँ लोग आते हैं दवा लेते हैं भर्ती हो रहे हैं, लेकिन इस तरह उनको गिराया जाना अचानक CMS महोदय ने दे दी अखबार में विज्ञप्ति, समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव गया है वो लास्ट टू लास्ट ईयर गया है, तो ये जो प्रस्ताव है वो बिल्डिंग के निर्माण के बाद का है, और जिस समय ये बिल्डिंगें बनाई गई थी उस समय मेडिकल कॉलेज का कोई प्रस्ताव या कोई इस प्रकार की बात नहीं रही थी कि रहेगा। और जाहिर सी बात है, मेडिकल कॉलेज बनने से जो चिकित्सकीय सुविधाएँ हैं और जो हमारे यहाँ नए डॉक्टर एक क्रिएट करने की जो प्रक्रिया, उसको बल मिलेगा, तो मतलब जो भी इस बिल्डिंग को तोड़ने से जो भी हानि है उससे ज़्यादा लाभ मेडिकल कॉलेज बनने में है। तो इसलिए देखिए, वर्तमान सरकार में, समाजवादी पार्टी के सरकार में जो भी विकास कार्य हुए थे उनकी निशानियों को मिटाने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे खुद भी यह ज्ञात हुआ है कि मेडिकल कॉलेज के लिए विभिन्न इमारतों को बनाने के नाम पर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में या बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो शहीदों के नाम पर हैं उनको गिराने की। देवभूमि उत्तराखंड में तीज और त्योहारों को मनाने की अलग अलग परंपरा है। अगर बात करें उत्तराखंड के चंपावत जिले की, जहां चंपावत जिले की देवी धुरा के बगवाल एक अनोखी बगवाल है, जहां मां बाराही मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पूर्णिमा को पत्थरों की वर्षा का एक विशाल मेला लगता है। इस मेले की देवी धुरा मेले भी कहते हैं। सावन मास की पूर्णिमा को हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला यह पौराणिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल देवी धुरा अपने अनूठे तरह से पाषाण युग के लिए पृष्ठ भारत में प्रसिद्ध है। जो हमारी परंपरा है पुरानी, वो पिछले वर्षों की बात इस बार भी जो है हम लोग मनाएंगे, उसको माता की पूजा अर्चना करेंगे। उसमें जो हमारे चारों खानों से लोग आते हैं वो 15-15 लोग आएंगे, यानी कुल मिला के 60 से 70 के बीच में हमारे योद्धा वहाँ पर रहेंगे, जो माता की मनोती मनाएंगे। और इस बार हमने सभी हमारे जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, आप लोग अपने घरों में रहें। COVID-19 की वजह से हम लोग जो है इस बार शांति। लक्सर पुलिस को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरजातीय वाहन चोर गिरफ्तार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कड़ी पूछताछ के बाद उनसे अलग अलग जगह की चोरी की गई 12 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। साथ ही लक्सर पुलिस ने पॉक्सको एक्ट के मामले में वांछित चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया। लक्सर कोतवाली पहुंचे एडिशनल SP प्रभेंद्र डोभाल ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्र में भी वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिस पर लगाम लगाने के लिए SSP के निर्देश पर एक टीम गठित की गई, जिसने अपने मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरों की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को चेकिंग के दौरान सफलता हाथ लगी है। रावली महदूद में नशीली दवाओं को बेचने के आरोप में सील किए गए मेडिकल स्टोर का संचालक के द्वारा ताला तोड़े जाने की जानकारी मिली है। ग्राम रावली महदूद के स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बीती 21 अगस्त को ड्रग विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उक्त मेडिकल स्टोर की नशीली दवाई बेचे जाने का दोषी पाए जाने के चलते सील कर दिया गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बीती देर रात मेडिकल पर विभाग द्वारा लगाए गए ताले को तोड़कर संचालक के द्वारा अपना ताला लगा दिया गया। ग्रामीणों को कहना है कि इस विषय में गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई मेडिकल संचालक पर होनी चाहिए। बाजपुर में भले ही उत्तराखंड राज्य की सरकार राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च कर वाहवाही लूटने का काम कर रही है, वहीं शिक्षा कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के गदरपुर विधानसभा के ग्राम नरखेड़ा की ग्रामीण गंदगी में जीने को मजबूर हैं।
विधानसभा गदरपुर के ग्राम नरखेड़ा को बसे हुए लोगों में लगभग 30 साल हो गए हैं, परंतु गांव के गंदे पानी की निकासी का इंतजाम नहीं हो पाया, जिससे पूरे गांव में रास्तों में गंदा पानी भरा पड़ा है, जिसमें तमाम मक्खी मच्छर कीड़े मकौड़े पनप रहे हैं, जिससे तमाम भयंकर बीमारियों का खतरा ग्रामीणों के सर पर मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार समस्या सुनने को तैयार ही नहीं है। गांव जो था सरकार द्वारा बसाया गया था पारिवारिक पट्टे देकर, उसके बाद यहां पर लोग जमीने हैं, ये जमीने वाले कहते कि हमारे को मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए हम नाली निकलने देंगे। तो उन्होंने बस यही एक अपनी धींगा धांगी लगा रखी है कि अगर जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा हम तुम्हारी नाली नहीं निकलने देंगे। और हम बार बार सरकार से अपील करते चलाए हैं जब से गांव बसा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। बच्चे पानियों में गिर रहे हैं और काकमांगे सब नालियों में पानी भर जाए, निकलने से बहुत परेशान है हम। हाँ, पढ़ने वाले जा रहे हैं काकमांगे, रात में वो नहीं निकल सकते, और क्या समस्या है, पानी की समस्या है। आपसे यहाँ माले बहुत दिन हो गए, हमें रहते रहते यहाँ पर, और बहुत समाधान किया, किसी आदमी ने भी ऐसा समाधान नहीं किया जो इस गंद से निकालेगा। अब इस तरह फैल रही है, नलों पर पानी गंदा आ रहा है, सब लोग का जहाँ तक प्रश्न है, नरखेड़ा में वर्तमान समय में कोई प्रधान कार्यरत नहीं है, और वहाँ पर इस समस्या के संबंध में मुझे भी अवगत कराया गया और जिसकी मैंने जांच कराई, तो ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर जो भी नाली का निर्माण होना है उसमें आगे भूमि अगर निकासी के लिए उपलब्ध हो तो वो नाली बनाई जा सकती है, और उसका प्रयास भी की गया, संबंधित भूमि वालों से भी बात की गई, तो वो ज़मीन देने को तैयार न होने की वजह से उस नाली का निकास नहीं हो पा रहा। वो अतिक्रमण हो चाहे भूमि की व्यवस्था हो, आपसी झगड़ों की वजह से वहाँ पर गंदगी फैल रही है और उसकी निकास की कोई। आज के खास खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।